इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। ऐसे में ITR फाइलिंग करते समय भी टैक्स बचाने के कई विकल्प टैक्स पेयर्स के पास होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो अक्सर छूट के इस आखिरी मौके का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। कई बार लोग अपने खर्च और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने एम्प्लॉयर को बताना भूल जाते हैं। ऐसे में PPF या ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे निवेश या फिर HRA क्लेम से जुड़ी जानकारी देकर टैक्स बचाने और रिफंड हासिल करने का ये शानदार मौका हो सकता है। दरअसल आयकर कानून की धारा 80C में निवेश से जुड़े कई विकल्पों पर कुल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट मिलती है, जिसमें घर की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी आयकर छूट का क्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की सैलरी में HRA कंपोनेंट शामिल है और इस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज अपने एम्प्लॉयर के पास नहीं जमा कराए थे तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 10(13)(a) के तहत HRA पर टैक्स छूट मिलती है। HRA तय करने वाले वेतन में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और कमीशन आते हैं। इसकी एक शर्त ये भी है कि जिस घर में टैक्स पेयर रहता है और उसका किराया चुका रहे हो तो इस पर टैक्स छूट मिलती है। जानकारों का भी मानना है कि ITR फाइलिंग महज एक अनिवार्य औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये गलतियों या लापरवाही या लेट लतीफी को सुधारने और टैक्स बचाने का मौका भी है। HRA की डिडक्शन है, आप टाइम से डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, बट आपने यदि रेंट पे किया और आप बाकी कंडीशंस पूरी करते हैं तो आप ITR में क्लेम कर सकते हैं। LTC का क्लेम है, आप नहीं सबमिट कर पाए तो आप अपनी क्लेम कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ATG हो गया, ATC की रिसीट्स हो गई, इनकेस आप वो डिक्लेरेशंस और सबमिशंस प्रूफ आप एम्प्लॉयर को नहीं दे पाए तो आप आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम वो सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हो। ITR भरते समय आप अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट में ELSS स्कीम में कोई पैसा डाला है, PPF में कोई पैसा डाला है, या बच्चों की ट्यूशन फीस पर कोई खर्चा किया है, होम लोन रिपेमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर कोई खर्चा किया है, या स्टैंप ड्यूटी के अंदर, ये सभी 80C की छूट में कवर अप होते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। इसके अलावा मेडिकल पॉलिसी पर अगर टैक्स छूट क्लेम ना की गई हो तो अपने परिवार के सदस्यों में से किसी के नाम पर ली गई मेडिकल पर 25,000 रुपए तक टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ नागरिक के नाम पर कटौती की सीमा 50,000 रुपए है। वहीं NPS पर अलग से टैक्स छूट का फायदा मिलता है। वहीं NPS के Tier 1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और विड्रॉल दोनों पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। हालांकि NUT से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।